नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्टिकल्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ये आप 395 आर्टिकल्स बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर पाएंगे और बहुत ही इजी तरीके से। तो दोस्तों, वो तरीका क्या है जिससे हम इस आर्टिकल्स को याद कर पाएँ। देखिए दोस्तों, मैंने आर्टिकल्स तो बताए हुए हैं, अगर आपने मेरे प्लेलिस्ट पे जाके आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको आर्टिकल्स की लाइनें दिखेंगी बहुत सारी, जो आर्टिकल्स आपको याद कर करा सकते हैं 1 to 395। हालांकि मैंने पूरा तो नहीं बनाया है, बट इंपॉर्टेंट्स आर्टिकल जो एग्जाम पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैंने वहाँ पे बताया है। पर दोस्तों, ऊपर ऊपर अगर देखा जाए कि ये सब जो पार्ट्स बने हुए 22 पार्ट्स के कौन कौन से आर्टिकल्स में आते हैं, जो कि एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है, वो आर्टिकल्स तो नहीं पूछते हैं बट किस रेंज में आता है, किन किन आर्टिकल्स के बीच में आता है, ये जरूर पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों, आज इन्हीं पे हम बात करते हैं और इनको याद करने की कोशिश करते हैं, टोटल 22 के 2। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो पहला दिया हुआ है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। क्या दिया है दोस्तों? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो दोस्तों, संघ उसका राज्य क्षेत्र कैसे याद कर सकते हैं? तो यहाँ देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने याद कराया था सन बताया था, सन में क्या था? संघ। ठीक है दोस्तों, तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो दोस्तों, संघ में मैंने आपको वन से यूनियन, अगर आपने दोस्तों ये भी वीडियो मेरा नहीं देखा हुआ है, 22 पार्ट्स को किस तरीके से याद करते हैं, कौन से नंबर पे कौन सा पार्ट है, तो वो भी मैंने बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में आके या फिर ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं 22 पार्ट्स के मैंने किस तरीके से कौन से पार्ट नंबर पे कौन सा पार्ट है वो भी मैंने बताया हुआ है। तो आइए दोस्तों, हम आर्टिकल से याद कर रहे थे। तो संघ है उसका राज्य। तो संघ क्या करता है दोस्तों? पूरा साथ में और पूरे राज्य को एक साथ लाइट प्रोवाइड करता है। एक साथ क्या देता है? सनलाइट प्रोवाइड कराता है। तो सन एक और एक से चार है, तो एक कैसे याद करेंगे दोस्तों? संघ और राज्य को लाइट कौन प्रोवाइड कराता है? सन। कहाँ से निकल के आता है सन? किसी ने पूछा सन कहाँ से आता है, तो आपको बोलना है कि वो डोर से निकल के आता है, दरवाजे के डोर से। यार दोस्तों, समझ रहे हो? कहाँ से निकल के आता है? डोर से। तो सन डोर, सन कहाँ से निकल के आता है? डोर से। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, आगे दिया हुआ नागरिकता सेकंड पे आता है। शूज, नागरिक लोग क्या पहनते हैं? शूज। ये मैंने याद कराया है दोस्तों, यहाँ नहीं बताऊंगा मैं, यहाँ पे आपको बताता हूँ नागरिकता याद कैसे करेंगे, किन किन आर्टिकल्स के बीच में आता है। तो नागरिक लोग दोस्तों क्या करके क्या लेके घूमते हैं? नाइफ का मतलब होता है दोस्तों चाकू। तो नाइफ लेके घूमते हैं, नाइफ पे पाया आता है, ये मैंने बताया हुआ है, अगर आप प्ले लिस्ट पे जाके देखेंगे तो आपको समझेगा। नाइफ पे मैंने क्या बताया हुआ है? फाय। तो नागरिक लोग क्या लेके घूमते हैं? नाइफ का मतलब होता है फाय। और वो नागरिक कौन है जो नाइफ लेके घूमता है? वो सिर्फ और सिर्फ आपके दादाजी हैं या मेरे दादाजी, किसी के भी दादाजी। तो कौन लेके घूमता है? सिर्फ दादाजी, डी डी। ठीक है, दादाजी लेके घूमते हैं। तो कोई पूछा नागरिकता किस पे आता है? तो नागरिक लोग क्या पहनते हैं? पहले तो शूज सेकंड रैंक पे आता है, ये मैंने बताया है। यहाँ क्या बता रहा हूँ? आर्टिकल। तो नागरिक लोग क्या लेके घूमते हैं? नाइफ। अब नाइफ कौन लेके घूमता है? आपके दादाजी, मतलब नाइफ से फाय और दादाजी से 11। तो यहाँ याद हो गया, फाय से 11। तीसरा दिया दोस्तों मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है? देखिए, मौलिक अधिकार डॉन क्या है दोस्तों? डॉन। तो मौलिक अधिकार सिर्फ किसको है? डॉन को। किस चीज का? कोई भी माल लेके आने का और लेके जाने का, कोई भी, जैसे गांजा हो गया, सिगरेट हो गया, चरस हो गया, कोई भी दोस्तों, ऐसे याद करना है हमको, याद करने से मतलब है। तो कोई भी इलीगल माल एक्सपोर्ट कौन कर सकता है? सिर्फ डॉन। डॉन पे कौन आ रहा है? 12, 1 और एन से 2, एम से 3 और 5 से एन। तो डॉन माल से 35। तो मौलिक अधिकार किसका है? डॉन का। क्या करने के लिए? कोई भी माल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व कैसे याद करेंगे दोस्तों? नीति निर्देशक तत्व को पढ़ने में मुझे बहुत मजा आता है, सच में बहुत मजा आता है। इतना मजा आता है कि मैं लड्डू खा लेता हूँ। कितना मजा आता है कि मैं लड्डू खाने लगता हूँ। तो मजा से क्या होगा? 3 और जे से क्या होगा? 6, 36। अब लड्डू से क्या होगा? L से 5 और डबल D से 1। ठीक है, लड्डू। क्यों इतना मजा आता है? क्योंकि मैं निर्देशक को पढ़ता हूँ। जब भी मैं नीति निर्देशक तत्व को पढ़ता हूँ तब मुझे इतना मजा आता है कि मैं लड्डू खा लेता हूँ। मजा से क्या होगा? 36। लड्डू से क्या होगा? 51। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए आगे संघ और शासन व्यवस्था। जो शासन व्यवस्था देखते हैं, ठीक है, जो शासन व्यवस्था देखते हैं वो कौन होता है? लायन। क्या देखते हैं? सॉरी, जो शासन व्यवस्था देखते हैं, वापस से, जो संघ की शासन व्यवस्था, जो यूनियन की शासन व्यवस्था को देखते हैं, उनको लायन खा गया। कौन खा गया? लायन। कैसे खाया? डालडा में डाल के, डालडा घी होता है, डालडे घी में उनको डाला और खाया। किसको खाया? लायन ने। जो शासन व्यवस्था, जो संघ का शासन व्यवस्था देखते हैं उनको किसने खाया? लायन ने। ठीक है, डालडा के रूप में उसको खा लिया। आगे राज्य और शासन व्यवस्था। राज्य और शासन व्यवस्था क्या है? देखिए दोस्तों, राज्य और शासन व्यवस्था,
तलाना, ठीक है, तलना, सॉरी दोस्तों, जो राज्य का शासन व्यवस्था देखते हैं, जो राज्य का शासन व्यवस्था जो यूनियन संघ का देखते हैं उनका मैंने बताया, अब राज्य का शासन व्यवस्था जो देखते हैं उनको तलना और नमक में, जो राज्य का शासन व्यवस्था देखते हैं उनको तला गया, किसमें तला गया, तला गया और मस्त नमक लगाया गया और खाया गया। जी हाँ दोस्तों, सुनने में बहुत उठपटांग लग रहा है और हमको उठपटांग ही बनाना है, बहुत सीरियस बताऊंगा तो आपको समझेगा नहीं, आप भी वीडियो बंद कर दोगे, कुछ मतलब निकलेगा नहीं। तो जितना ज़्यादा आप कॉमेडी इमेज बनाओगे, फनी रिलेट करोगे, उतना ज़्यादा ही आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा। तो राज्य का शासन व्यवस्था करने लोगों क्या किया, तला और तलने के बाद नमक लगा के मस्त खाया, ठीक है। तो तलने से क्या हो जाएगा, 1.5 2 TLN तलना और नमक लगा के खाया, 2 3 7 नमक NMK नमक लगा के खाया, ठीक है। ये बबल्स कर देंगे, N से 2, 3 से M और K से 7। आगे दिया है दोस्तों 8 पे संघ राज्य क्षेत्र, जो संघ राज्य का क्षेत्र है, जो संघ और राज्य का जो क्षेत्र है उसमें हम नींबू नारा ना लगा, ठीक है। जो हमारा संघ राज्य क्षेत्र है वहाँ पे दोस्तों इतने सारे लोग हैं ना कि नारा लगाते हैं, किसका, नींबू का। तो देखिए दोस्तों, संघ राज्य क्षेत्र नींबू का नारा लगाते हैं, नींबू में N है, आई कट जाएगा, M 3, N से 2 और B से 9, तो 239 और क्या लगाते हैं, नारा। लेकिन मैंने क्या बोला, नारा ना लगा, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा नींबू का नारा लगाते हैं, नींबू नींबू बोलते हैं। तो मैं वहाँ पहुँचा, मैंने बोला कि नींबू का नारा ना लगा, मतलब नींबू नारा ना लगा, तो नारा से क्या हो जाएगा, 24 आर एन और आर नारा, 24 ना लगा, ना से 2, ठीक है दोस्तों, ऐसा। आगे पंचायत, 9 पे क्या है, पंचायत 243 पंचायत, यहाँ का इसका कोडिंग क्या होगा, नरम। हमारे यहाँ पे भारत में जो पंचायत होती है बहुत ही नरम तरीके से होती है, क्या है दोस्तों, बहुत ही नरम तरीके से होती है। तो नरम को डिकोड करेंगे क्या होगा, N से 2, 4 से 3 और 3 से सॉरी 4 से R और 3 से M, बहुत ही नरम तरीके से होती है। दसवां क्या दिया दोस्तों, अनुसूचित और जनजातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ क्या है दोस्तों, 24, ठीक है, 244। तो अनुसूचित जनजातियों में किसको रखा गया है, नारी को। जैसे कि दोस्तों आप अपने दोस्त के साथ खड़े हैं, आपका दोस्त बोलता है, अरे यार ये बता मेरे को अनुसूचित और जनजातियों में किसको रखा गया है, तो आपने बोला, अरे नारी रे, नारी रे, आपने क्या बोला, अरे नारी रे, तो नारी को रखा गया, ठीक है, नारी रे। तो नारी को कट करेंगे तो ये कटेगा, यहाँ से 2, आर से 4 और 4 से 4, 244 नारी रे। आपके दोस्तों आपने अपने दोस्तों क्या बोला, अबे नारी को रखा गया, नारी रे, ठीक है, ऐसा। आगे 11 पे क्या दिया है दोस्तों, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, जो संघ और राज्यों के बीच में जो संबंध लगाता है उसकी निराली, उसकी बात क्या होती है, बहुत ही निराली होती है। क्या होती है, जो संघ एवं राज्यों के बीच जो संबंध बनाता है उसकी जो काम का करने का तरीका बहुत ही निराला होता है, निराली। तो आर ए कटा, आई कटा, एन से 2, आर से 4 और 5 से एल, निराली होती है। तो आपने अपने दोस्त से पूछा क्यों निराली होती है उनकी काम करने की तरीका, तो आपने उनको बोला कि वो नो जाम, उन्होंने उनको आपने बोला कि वो नो जाम, मतलब जाम नहीं खाते हैं, नो जाम। या दोस्तों आप ऐसा बोल सकते हो कि नौ, नौ का मतलब होता है 9 या 9 9, हाँ 9 बोलिए दोस्तों। तो आपने उनको बोला कि वो 9 जाम खाते हैं, 9 प्रकार के जाम खाते हैं, इसलिए उनका जो करने का तरीका है काम वो बहुत ही निराला होता है। क्या आपने बोला, 9 जाम, ठीक है, 9 जाम क्या होगा, N से 2 हो जाएगा, 6 से J हो जाएगा, 3 से M हो जाएगा, ये हो गया 9 जाम। तो निराली क्यों होती है बात, क्योंकि वो 9 जाम खाते हैं। तो ये रहा दोस्तों 11, इसके बाद अगले वीडियो में 11 और प्रोवाइड करा दूंगा, टोटल 22 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसको ले लीजिए, और इसके बाद मैं और अगले वीडियो में 11 और प्रोवाइड करा दूंगा, 22 हो जाएगा। दोस्तों टेंशन लेने कोई बात नहीं है, अगर आपको कोई भी इंक्वायरी होती है, कोई भी अलग टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट करिए, जिसमें मैं अलग टॉपिक पे वीडियो बना सकूं। तो बेझिझक दोस्तों कमेंट करिए, मैं उस पर टॉपिक लाऊंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन दबा दें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।